हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती यहां पे आ चुकी है। आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे हैं एम्स द्वारा यहां पे वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है, एम्स पटना के द्वारा, और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। सारी की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी जा रही है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और वैकेंसीज कितनी है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है सिलेक्शन का, कब से कब ये फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करने हैं और यहाँ पे इसके एग्जाम की जो फीस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइक कर देना है इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करेगा हमारे चैनल को, क्योंकि आगे की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए। हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग में हमारा चैनल ये सारा कवर कर रहा है। आगे की जानकारी भी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी, तो वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को और इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं डायरेक्ट बेसिस पे हैं, और मीन जो रिक्रूटमेंट आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, और नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी रहेगी और ग्रेड टू मीन्स वर्क दो की ये पूरी वैकेंसी है। और जब एम्स का नाम यहाँ पर जुड़ जाता है तो यहाँ पे सैलरी पैकेज भी उसी हिसाब से देखने को मिलता है। तो देख पा रहे हैं 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये आपको यहाँ पे तनख्वाह प्रोवाइड कराई जाएगी और 4,600 रुपये का आपको अलग से ग्रेड पे भी इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 30 साल यहाँ पे जो है एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे आप लोग वैकेंसीज को भी देख लीजिए, 206 वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट के लिए भी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए मात्र यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 185 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और इन सभी वैकेंसीज को यहाँ पे बांट दिया गया है और यहाँ पे सभी कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। देखिए आपको सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में जैसे ही आप लोग क्वालिफाई कर ले जाएंगे उसके बाद आपको जो होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट जो है वो है यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का। तो जितनी भी आपको मेहनत करनी है रिटन टेस्ट के लिए करनी है। और यहाँ पे जो सैलरी पैकेज रहने वाला है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है, तो बड़े आराम से आप लोग इस जॉब को यहाँ पे पा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन होना आपके पास जरूरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हो। और जीएनएम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका भी यहाँ पे होना जरूरी है। और 2 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल का, बड़े आराम से आप लोग इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो उसको थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ। देखिए ये फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा 12 फरवरी को और रात के 12 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखी गई है इन्फॉर्मेशन 12 जनवरी से 12 फरवरी, ये आप लोगों को इस डेट को यहाँ पे याद रखना है, 1 महीने का पर्याप्त समय मिल रहा है, बड़े आराम से आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। देखिए 1500 रुपये आप लोगों को देना है अगर आप लोग यहाँ पे जो है जनरल कैंडिडेट है या फिर आप लोग यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 1200 रुपये फीस देनी है। और एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडिडेट जितने भी हैं उनको यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देनी है। तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है, आप लोग इस बात को यहाँ पे बिल्कुल भी ना सोचें कि फीस बहुत ज़्यादा है इस फॉर्म को यहाँ पे फिल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो यहाँ पे ये बहुत ही गलत बात है। देखिए यहाँ पे इसकी जो सैलरी पैकेज है, अगर आप लोग की यहाँ पे एक बार जॉब लग जाती है तो यहाँ पे जो है पहली सैलरी से ये सारा का सारा जो भी आपका खर्चा है, एप्लीकेशन फीस का, आने जाने का जो भी खर्चा है आप लोग का, बड़े आराम से उसमें वसूल हो जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस ना करें। एम्स द्वारा जो वैकेंसीज आती हैं बहुत ही अच्छी रहती हैं और इसकी जो यहाँ पे जो लाइफ रहती है इसमें जो वर्क करते हैं तो इसमें यहाँ पे सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है और आगे का जो फ्यूचर है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करें और जितनी भी पेमेंट वगैरह है ऑनलाइन मोड के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जितनी भी है आप लोग इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दी है, इसके जो सिलेबस जो प्रोवाइड कराया गया है तो वो भी मैं आपको उसमें नीचे की तरफ बता देता हूँ। तो देखिए सिलेबस में इसमें टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं और क्या क्या इसमें आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है ये भी इसमें पूरा बता दिया गया है। तो एक टेबल यहाँ पे बनाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसमें टॉपिक्स भी आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स से ये पूरे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखिए टॉपिक से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, मीन्स ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड का भी ये एग्जाम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड टू का ये पूरा है, आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन बेसिस पे भी ये यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको यह है वैकेंसीज को यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए जो आएगा 1:3 का, मीन्स एक वैकेंसी पे यहाँ पे 3 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए।
और यहाँ पे स्किल टेस्ट के बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनली यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी मिल जाएगी। टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 20 मार्क्स का आएगा, माइक्रो बायोलॉजी से 10 मार्क्स का आएगा, सोशोलॉजी से यहाँ पे 10 मार्क्स का आएगा, नर्सिंग फाउंडेशन से यहाँ पे 40 मार्क्स का आएगा, कम्युनिटी हेल्थ से यहाँ पे 10 मार्क्स का आएगा, न्यूट्रिशन से 10 मार्क्स का आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये सब 40 नंबर का आएगा, ठीक है। साइकेट्रिक नर्सिंग से 10 नंबर का आएगा और मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से भी यहाँ पे 40 नंबर का पूछा जाएगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी यहाँ पे 10 नंबर का पूछा जाएगा। 3 घंटे का ये पूरा पेपर रहने वाला है और ये टॉपिक्स से जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं इनको आप लोग यहाँ पे रीड कर लीजिए, इनकी मेहनत यहाँ पे जो भी है आप लोग एक बार कर लीजिए, बड़े आराम से आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें वीडियो में प्रोवाइड करा दी है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर भी इसको पढ़ सकते हैं। जरूर भरिएगा इस फॉर्म को, अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी है तो, और जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो भी आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे जरूर फिल करिएगा, मेल कैंडिडेट हो चाहे आप लोग यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हो, और यहाँ पे बड़े आराम से इस जॉब को आप लोग यहाँ पे पा सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग यहाँ पे मिस ना करें। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, दिल से इस वीडियो को लाइक करें अगर ये अपडेट आपको पसंद आया है, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी सवाल वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको प्रोवाइड जरूर कराते हैं, कोई भी अपडेट आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा आपसे यहाँ पे वादा रहेगा। और जितनी भी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में आ रही है हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी यहाँ पे सरकारी भर्ती जो है आपसे यहाँ पे नहीं छूटेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, बहुत ही कम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं और जो भी लिखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।